लोक निर्माण विभाग ने हलालपुर क्षेत्र से BRTS लेन हटाने का काम तेज कर दिया है। रोशनपुरा चौराहे से कमला पार्क तक बने करीबन 3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर हटाने के साथ ही बीच के हिस्से में पहले की तरह सिंगल डिवाइडर बनाया जा रहा। इस बार डिवाइडर के ऊपर न्यू मार्केट की तरह ही जालियां भी लगाई जा रही हैं। करीबन 350 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बने BRTS कॉरिडोर को तोड़ने के लिए CM मोहन यादव ने निर्देश दे दिए। बता दें कि शहर में 3 BRTS कॉरिडोर अंदर बने हैं। बता दें कि कॉरिडोर बनने से पहले डिवाइडर के ऊपर जालियां नहीं थी। कॉरिडोर से निकली गई जालियों का उपयोग किया जा रहा है। हलालपुर से सीहोर नाके तक लेन हटाने का काम लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। विभाग ने ईसाई कब्रिस्तान तक लेने के दोनों छोर तक की लगभग सभी जालियां निकाल ली गई हैं। हलालपुर से सीहोर नाके तक लेन हटाने का काम लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। विभाग ने ईसाई कब्रिस्तान तक लेन के दोनों छोर तक की लगभग सभी जालियां निकाल ली हैं। सीमेंट बेस उखाड़ कर यहाँ डामर की परत भी बिछाई जा चुकी है। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। राजधानी भोपाल में हालांकि BRTS तोड़े जाने की शुरुआत 20 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन अब शहर के अंदर बने BRTS कॉरिडोर को कल से तोड़ा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोशनपुरा चौराहे पर। देखा जा सकता है कि रोशनपुरा चौराहे से लेकर कमला पार्क तक के करीबन 3 किलोमीटर लंबे बने BRTS कॉरिडोर को तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। शहर के अंदर तोड़े जाने वाला ये पहला BRTS कॉरिडोर है। हालांकि इससे पहले बैरागढ़ का कॉरिडोर तोड़ने की शुरुआत की गई थी और अब यहां पर ये काम शुरू हुआ है। हालांकि ये काम यहां पर दिन में ही किया जाएगा, रात में काम को रोक दिया जाएगा। 3 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को करीबन अगले 10 दिनों तक तोड़ने में पूरी तरह से जो कंपनी है वो जुटी है। इसके साथ ही रिपेयरिंग का जो काम है वो भी साथ साथ किया जाएगा। देखा जा सकता है कि सड़क के दोनों तरफ इस व्यस्ततम मार्ग पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के साथ इस कॉरिडोर को तोड़ा जा रहा है। विवादों में चर्चा में रहे 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से बने इस कॉरिडोर को हटाने की मांग खुद आमजनों ने, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने और इसके साथ ही विधायक और मंत्रियों ने भी की थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे तोड़ने की जो अनुमति है वो यहां पर दी है। इस वक्त जो लोग यहां पर लगे हुए काम में उनसे हम जानेंगे कितने दिन में ये वाला कॉरिडोर तोड़ा जाएगा। लगभग 15 दिन में हम तोड़ देंगे और साथ साथ पीछे से रिपेयरिंग का कार्य भी किया जा रहा है। आज जो गड्ढे किए हम इनको डामर के द्वारा भर देंगे, फिर पूरी रिपेयरिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। शहर के अंदर 3 कॉरिडोर है, तीनों आप लोगों ने को ही तोड़ने का टेंडर है? जी तीनों हमारा ही है, तो जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। बाकी में 2 का काम भी शुरू हो गया? नहीं, 2 का भी नहीं करा काम, पहला काम चालू करा है, आगे जैसे ये बढ़ेगा दूसरा काम भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि लगातार जो 4 कॉरिडोर हैं, चाहे वो मिसरौद रोड पर हो या फिर रोशनपुरा, इसके साथ ही कलेक्ट्रेट और चौथा बैरागढ़ में है, इनमें से बैरागढ़ को तोड़ने का काम खुद PWD कर रही है, लेकिन बाकी जो शहर के अंदर 3 कॉरिडोर हैं उन्हें तोड़ने के लिए इस कंपनी को टेंडर दिया गया है। अगले 2 महीने में राजधानी भोपाल से ये 4 कॉरिडोर हटा दिए जाएंगे और इसकी जगह चौड़ी सड़क पर जो आवागमन ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलेगा। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।